खबर भोपाल से है। बता दें कि एमपी विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवा दिन है। बजट सत्र के पांचवें दिन जबरदस्त हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सदन में आज गूंजेगा जीतू पटवारी के निलंबन का मामला। कांग्रेस लाएगी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। जीतू पटवारी के मामले में न्याय नहीं करने का अध्यक्ष पर लगा है आरोप। तो बता दें कि अहिर रेजिमेंट के गठन और पेयजल का भी मुद्दा उठाएगा विपक्ष। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से शब्बीर का रुख करते हैं। शब्बीर, कहा जा रहा है एमपी विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवा दिन है और पांचवा दिन सबसे ज्यादा जबरदस्त हंगामे के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, पूरे बजट सत्र की बात की जाए, अभी तक के जितने भी दिन हुए आज पांचवा दिन है, सबसे अहम आज का दिन है और सबसे ज्यादा हंगामे के आसार हैं। और उसकी सीधी वजह है जीतू पटवारी का जो निलंबन कल किया गया विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की तरफ से, ये निलंबन किया गया है। जीतू पटवारी पर आरोप था कि वो सदन के अंदर असत्य जानकारी दे रहे थे और उनको बाकायदा इस असत्य जानकारी के लिए कहा गया था कि आप खेद प्रकट कर दीजिए। लेकिन जीतू पटवारी ने, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं ने कहा कि जीतू पटवारी खेद व्यक्त नहीं करेंगे और उसके बाद उन्हें असत्य जानकारी, सदन में असत्य जानकारी देने के लिए उन्हें निलंबित कर दिया। और उसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक सदन में हुई, सदन परिसर में हुई और उसके बाद बैठक हुई कमलनाथ के वहां। और कमलनाथ के वहां जब बैठक हुई तो रणनीति ये बनाई गई कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, क्योंकि कमलनाथ और तमाम कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि इस मसले पर न्याय नहीं किया गया विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के मामले में। और उसी को लेकर आज हंगामे के पूरे आसार है, क्योंकि जिस तरीके से कल कांग्रेस के विधायक ऐश्वर्या एकजुट नजर आए थे जीतू पटवारी के मसले पर, वो देखने वाली चीज थी। क्योंकि जीतू पटवारी के साथ वो काफी मुखर रहते हैं सदन के अंदर, लेकिन बाकी के कांग्रेस के विधायक उनके साथ इतने नजर नहीं आते जितने कल नजर आए थे। और जिस तरीके से कांग्रेस की प्लानिंग और रणनीति है, आज सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा होगा इस मुद्दे पर। इसके अलावा बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से अहिर रेजिमेंट की भी मांग उठेगी। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि राजधानी भोपाल में यादव समाज के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो अहिर रेजिमेंट का मुद्दा भी उठाएगा विपक्ष। इसके अलावा पेयजल का भी मुद्दा उठाएगा, गर्मी आ चुकी है, तो अलग अलग मुद्दों को लेकर आज विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। लेकिन आज जबरदस्त हंगामे की तस्वीर सदन के अंदर देखने को मिलेगी। सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों रणनीति कांग्रेस ने तैयार कर ली है इस मुद्दे पर जीतू पटवारी के।